वैश्विक महामारी से निपटने को लेकर जहां पूरा विश्व हर संभव जी तोड़ कोशिश में लगा है, वहीं चतरा जिले में भी कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इधर लॉकडाउन के कारण कई दिनों से बंदी को लेकर लोगों के सामने कई तरह की समस्याएं खड़ी हो गई है। वहीं इसी कड़ी में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी चतरा इकाई द्वारा असहाय व गरीबों के समक्ष आई भूखमरी से उन्हें निजात दिलाने को लेकर जनता रसोई की शुरुआत की गई, जिसके तहत इन्हें भोजन कराने को लेकर कई तरह के कार्य भी किए जा रहे हैं। इस निमित्त रेड क्रॉस सोसाइटी परिसर में ही भोजन बनाए जा रहे हैं। इस कड़ी में जहां परिसर के अंदर ही सैकड़ों गरीब व असहाय तथा नीचे तबके के लोगों के बीच भोजन परोसा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर दूर दराज के इलाकों में गरीब व बेसहारा तथा दिहाड़ी मजदूरों के घरों में यानी डोर टू डोर उन्हें भोजन के पैकेट तथा अनाज इत्यादि पहुँचाए जा रहे हैं। लॉकडाउन में वैश्विक महामारी के चलते COVID-19 के मद्देनज़र हम लोगों ने जनता रसोई का शुभारंभ किया है। ये निस्सहाय लोगों, ज़रूरतमंद लोगों, जो पत्तल दोना बेचते हैं, जिनका रोज़गार छिन गया है, उनके लिए ये रसोई की व्यवस्था है। सुबह में हम लोग मतलब देते हैं पोहा और मिठाई और कभी पूड़ी बूंदिया, कभी मिठाई, कभी पूड़ी जलेबी, कभी भुजिया उसके साथ, और दिन में खिचड़ी, चावल दाल सब्जी, बदल बदल के सारा आइटम हम लोग दे रहे हैं पिछला 10 दिनों से। और अनाज भी बांट रहे हैं गांव में घूम घूम के, चूड़ा गुड़ भी बांट रहे हैं, सारा चीज़ दे रहे हैं। वैसे जगह पर जहां कोई नहीं पहुंचता है, जंगलों में जाके डोर टू डोर ऐसी व्यवस्था हमारे रेड क्रॉस के सहयोगियों ने, यहां कम से कम एवरेज में आपका 1500 आएगा, 1500।